आपके द्वारा कोई क्राइम किया गया था, या फिर आप वो कह सकता है कि आपके किसी लड़की के साथ संबंध थे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से वो आपको डरा करके ये कहना चाहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन या तो लीक हो जाएगी या CBI इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उसे पता है कि आप पता करेंगे तो सारी बातें झूठी मिलेंगी। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है जिसे लेकर न सिर्फ पुलिस बल्कि पुलिस का जो IT डिपार्टमेंट है वो इसको लेकर काफ़ी कार्य कर रहा है, जनता को जागरूक भी लगातार कर रहा है। आजकल साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक और टर्म चल पड़ी है, डिजिटल अरेस्ट। कई लोग इस डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर कुंवर राजदीप जी मौजूद है। सर, डिजिटल अरेस्ट एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा लगातार बनता जा रहा है, कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं, इसे लेकर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो है ये पूरी तरीके से क्रिएटेड टर्म है। होता इसमें यह है कि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है और कई तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों से वो आपको डराना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आपकी कोई ऐसी कमी उसके पास में है, जैसे कि वो ये कह सकता है कि आपके द्वारा कोई क्राइम किया गया था, या फिर आप वो कह सकता है कि आपके किसी लड़की के साथ संबंध थे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से वो आपको डरा करके ये कहना चाहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन या तो लीक हो जाएगी या CBI इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या कोई दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको ये इन्फॉर्मेशन जो है इसके बेसिस पर आपको गिरफ्तार करने आ जाएगी। इस तरह की बातें कह के व्यक्ति को डराते हैं ताकि व्यक्ति जो है इस शौक में कि कहीं वाकई में मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी मेरे पीछे पूरे जीवन में, उस चीज़ से डर करके वो उन लोगों की बातें मानता जाता है, और बातें उस लेवल तक मानता जाता है कि कई बार व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी तक दे देता है। तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो एक्चुअली में एक क्राइम करने का नया तरीका है। इसमें लोगों को इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी ऐसा कोई कॉल आए जिस कॉल में कोई व्यक्ति पुलिस की तरफ से, CBI की तरफ से, NIA की तरफ से होने की बात करते हुए उनसे कहे कि भाई तुम्हारी कोई कमी मुझे पता चल गई है और तुम सेटलमेंट करना चाहते हो क्या, इस तरह की बात जब भी कोई कहे शुरू में ही समझ जाएं कि ये पूरी तरीके से चीटिंग के लिए किया जा रहा कार्य है, उसके जाल में नहीं फंसना है। इसके बारे में अपने लोगों से, आसपास के लोगों से डिस्कस करें, पुलिस के पास आएं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को पैसे देने, पुलिस ऐसे पैसे नहीं मांगती। सर, एक छोटा सा एक मैसेज, आप इस डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। देखिए, एक ही तरीका है, यदि आप किसी ऐसे पब्लिक सर्विस जॉब में नहीं हैं तो जो अननोन नंबर हैं उनको उठाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं केवल उन्हीं के नंबर उठाएं। फिर भी यदि आपको अननोन नंबर उठाने पड़ते हैं तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे ऐसी कोई बात करे जिस बात के बारे में आप पूरी तरह श्योर नहीं हो, उसकी बात पर विश्वास नहीं करें। फ़ोन रखने का बहाना ढूंढें, फ़ोन बंद करने के बाद में उस चीज़ के बारे में पता करें अन्य माध्यमों से। यदि कोई कहता है कि आपने कभी दिल्ली में कोई क्राइम किया, या आपका दिल्ली में कोई सामान पकड़ा गया उसमें ड्रग मिल गया, इस तरह की बातें कोई करता है तो फ़ोन रख करके उस चीज़ के बारे में अन्य माध्यमों से पता करें। आपको उस व्यक्ति की बातों में आने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ऐसे तरीके ढूंढने की ज़रूरत है कि वो जो कह रहा है उसमें सच्चाई कितने प्रतिशत है। यदि वो व्यक्ति सच कह रहा होगा तो वो आपको फ़ोन भी रखने देगा और आपको वो कहेगा कि खुद पता कर लो, जाओ पता कर लो, तुम्हें समय देता हूँ मैं। लेकिन यदि वो झूठ बोल रहा होगा तो वो आपको फ़ोन रखने नहीं देगा, कोशिश करता रहेगा लगातार कि आप किसी और से बात नहीं करें, आप किसी से पता नहीं करें, क्योंकि उसे पता है कि आप पता करेंगे तो सारी बातें झूठी मिलेंगी। तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उसकी बातों का शिकार नहीं बने। जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ कह रहा है वो आपको चीट करने के लिए कह रहा है। ये थे हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर कुंवर राजदीप जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि डिजिटल अरेस्ट हो या फिर साइबर को लेके किसी भी प्रकार का क्राइम हो, सबसे पहले आपको जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति के कॉल पर आप भरोसा ना करें, और अगर ऐसा कॉल आपके पास आता है तो पहला तो आप वो कॉल उठाएं ही ना, दूसरा अगर आप वो कॉल उठा लेते हैं तो किसी भी प्रकार से जल्द उस कॉल को काटें, और जो भी इन्फॉर्मेशन दे के सामने वाला व्यक्ति आपको बरगलाना चाहता है, आपको लूटना चाहता है, आपको डिजिटल अरेस्ट करना चाहता है, उसके बारे में पता करें और जल्द से जल्द अपने आसपास के लोगों को, पुलिस के साइबर सेल को इसको सूचित करें, ताकि ऐसी किसी भी प्रकार की अनहोनी से आप बच सकें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।